हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर हमारी नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ झांकियां और वो स्थान जहां पर बने हैं कुछ चित्र जो प्रमाण है इस बात का कि कई हजारों वर्ष पहले यहां पर महाभारत युद्ध लड़ा गया था। तो और अधिक विलंब न करते हुए मैं सीधा ले चलता हूं आपको उस पावन स्थान पर और उन दिव्य चित्रों के बीच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे ही हम इस संग्रहालय में अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो सामने ही हमको नजर आएगी दानवीर कर्ण और कृष्ण भगवान की वो प्रतिमा, जिसमें दानवीर कर्ण कृष्ण भगवान को अपना सोने का दांत दान कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान कर्ण की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे। और दूसरी ओर बना है वो चित्र जिसमें भीष्म पिता महा जी अर्जुन के तीरों की वजह से बाणों की शियां पर लेट जाते हैं मृत्यु से पहले। दोस्तों, ये जो पीछे चित्र बना है ये अर्जुन जी का है भीष्म पिता महा जी के साथ, और ये है दानवीर कर्ण का सोने का दांत भगवान श्री कृष्ण को दान देते हुए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो भी जान सके यहाँ पर बने महाभारत काल के चित्रों के बारे में। तो दोस्तों, आइए ले चलता हूँ मैं आपको संग्रहालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा श्री गंगोत्री जी का ये चित्र। और ये है, ये यहाँ पर बहुत ही वर्षों पहले बनाया गया था, और साथ में है यमुनोत्री जी का पावन धाम। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो के मुख्य संग्रहालय में प्रवेश करते ही हमें सामने नजर आएगी पांच पांडव की भगवान भोलेनाथ जी के साथ वो तस्वीर, जहां पर पांडव जी भोलेनाथ जी से युद्ध जीतने का आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद बना है वो चित्र जहां पर दानवीर कर्ण जी के रथ का पहिया कीचड़ में धस जाता है, पर उसी समय श्री कृष्ण भगवान जी के कहने पर अर्जुन जी अपना तीर उन पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और वीडियो में आगे बढ़ते ही हमें नजर आएगा वो चित्र जिसमें अर्जुन जी और दुर्योधन जी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जी उन्हें ये कहते हैं कि युद्ध में एक तरफ सिर्फ मैं और दूसरी तरफ पूरी सेना, तो जिसको जो पसंद हो वो उसे स्वीकार कर ले। तो उस समय दुर्योधन जी भगवान श्री कृष्ण को नाक लेकर एक सेना को लेते हैं, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण पूरे युद्ध में पांडव की सहायता करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सामने दिखाया गया है द्रौपदी चीरहरण,
जब पांडव द्रौपदी को जुआ में हार जाते हैं तब का ये दृश्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी राक्षस का वध करते दिखाई दे रहे हैं। और आगे के चित्र में दिखाया गया है रुक्मणी हरण। इसमें दिखाया गया कि भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी का हरण करके अपनी द्वारिका ले जाते हैं और यहाँ पर बकासुर से युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में बकासुर की हार होती है और वह मृत्यु के घाट पहुंच जाता है। और यहाँ पर दिखाया गया है महाराज कंस के दरबार में दंगल करते हुए श्री कृष्ण बलराम और उनके पहलवान। और आगे के दृश्य में दिखाया गया है जब पूतना श्री कृष्ण को दूध पिलाने आती है तब श्री कृष्ण जी उनका वध कर देते हैं। और आगे के दृश्य में महाभारत काल का द्रौपदी स्वयंवर दिखाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।